रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर चुके हैं और उसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपको कराए गए। अब हम नेक्स्ट फिनोमेना पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन। बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना ऐसे हैं जो रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं, जैसे किसी पॉन्ड की बॉटम का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। आप किसी तालाब के किसी टैंक के किनारे पर साइड में खड़े हो, आप दूर से देखते हो तो उसकी बॉटम, उसकी जो तली है वो हमें कुछ उभरी हुई नजर आएगी, सब रेज्ड अपीयर होगी, मतलब उसकी एक्चुअल डेप्थ में पता नहीं चलती। इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक कांच के गिलास में पानी है, उसके अंदर आप एक पेंसिल डाल के रख दो टेढ़ी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पेंसिल टूटी हुई है, बीच से मुड़ी हुई है, जहां पानी का सरफेस है वहां पर वाटर सरफेस के पास है, वो भी किसके कारण है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। एक एक्टिविटी आप करके देख सकते हो कि एक प्याले के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर, ट्रांसपेरेंट कंटेनर नहीं हो, उसके अंदर आप एक कॉइन डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए और आप उसके नजदीक खड़े, आपको वो दिखाई देगा, आप धीरे धीरे क्या पीछे हटिए, जैसे ही वो दिखाई देना बंद हो आप रुक जाइए। आप अपने किसी मित्र से कहिए कि इसमें धीरे धीरे कुछ पानी डाले, वो धीरे धीरे उसमें पानी डालेगा और क्या होगा कि आपको जहां से सिक्का दिखाई नहीं दे रहा था वहीं से अब आपको वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ना तो उस क्वाइन की पोजीशन चेंज हुई, ना आपकी पोजीशन चेंज हुई, सिर्फ क्या उसने पानी डाल दिया है, और ऐसा करने से क्या हुआ, वो आपको दिखाई देना शुरू हो गया। किसके कारण हुआ ये, दिस फिनोमेना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है, और भी हैं, तारों का टिमटिमाना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। है क्या एक्चुअली में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी फिनोमिना है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक माध्यम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसके पाथ में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इट इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले वाला फिनोमेना आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसमें भी पाथ चेंज होता है लेकिन उसी मीडियम में, दूसरे मीडियम में नहीं जाती लाइट, रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में। इसमें जब मीडियम चेंज होता है तो मीडियम के चेंज होने से पाथ का चेंज होना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसके कारण होता था, कारण भी साथ साथ बता देता हूं मैं, कॉज, इट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन चेंजिंग मीडियम, क्योंकि माध्यम चेंज होने पर, मीडियम चेंज होने पर लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है, इसलिए उसका पाथ चेंज हो जाता है। एयर में स्पीड अलग है, ग्लास में अलग होगी, वाटर में अलग होगी, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप थोड़ा सा फिगर से दिखा सकते हो, ऐसे ये
इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जो दो मीडिया को अलग अलग करता है, इंटरफेस कहलाता है। यहां पर एक मीडियम है, कोई मीडियम वन, यहां दूसरा है मीडियम सेकंड। जब रे ऑफ लाइट यहां से ट्रेवल करती है और इस दूसरे मीडियम में पहुंचती है तो उसका पाथ वही नहीं रहेगा जो यहां से था, या उससे वो डेविएट हो जाएगी, किसी दूसरे पाथ पे चली जाएगी, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, वो आपको आगे पता चलेगा। यहां एक एंगल बन रहा है, यहां भी एक एंगल बन रहा है, ये होगी इंसिडेंट रे। ये जिस पॉइंट पर ये रे आती है, गिरती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये लाइट इधर आ गई, रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्शन के जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ थे, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉ है, नियम है। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ, जैसे कि रिफ्लेक्शन में था वैसे ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। कौन कौन से? क्या होंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइ इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। जैसे बोर्ड का प्लेन है, ये तीनों इसी, ये नहीं कि ये इधर आ जाए रिफ्लेक्टेड लाइट इधर चली जाए, नहीं, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। सेकेंड लॉ देखिए, एक बार फिगर पे ही, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर हम यहां पर रेशो करें, इस लॉ को क्या कहते हैं? रेशो। रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल इज कॉन्स्टेंट फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम, किन्हीं दो माध्यम के लिए साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आर, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। कैसे? अगर हम लिखें साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, इनका रेशियो, ये हमेशा क्या होगा? कॉन्स्टेंट। और इस कॉन्स्टेंट को भी नाम दिया जाएगा, दिस कॉन्स्टेंट इज रिटन एज एन टू वन, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम
विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकेंड मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे पढ़ेंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका होगा कॉन्स्टेंट n21, अलग अलग मीडिया के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन दो कोई मीडिया नहीं है, मैं यहाँ वाटर ले लिया, यहाँ ग्लास लिया, इनके लिए फिक्स वैल्यू होगी इसकी, एयर ग्लास के लिए अलग होगी, वाटर एयर के लिए अलग होगी, तो इस प्रकार से डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ऐसे बोलेंगे 2-1 लिखा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट n21। इसको एक नाम और भी देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस लॉ, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है ये? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।